हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूनम बेटा, डरो मत। जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताओ सब, बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। पूनम नाम है मेरा। भाबुआ गांव की रहने वाली हूँ। उम्र 15 साल है। आज से करीब 2 साल पहले मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। मुझे जब यहाँ लाया गया तो हर हफ्ते मुझे किसी बड़े नेता के घर भेजा जाता था। मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा इंदौर गए बेटा। आप रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप और पापा मेरी वजह से लड़ते हो ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, वो मम्मा आपको कुछ बताना चाहती है। हाँ मम्मा। नहीं कुछ नहीं, आप अभी सो जाओ, मम्मा सब ठीक कर देगी। क्या हुआ भाभी जी, फोन नहीं उठा रही हैं क्या? सुबह सुबह झगड़ा हुआ क्या? एनिवर्सरी आज हमारी। सुबह विश करना भूल गया। 13 साल हो गए शादी को, मतलब हर साल तो एनिवर्सरी बनती है ना, तो ऐसी खास बात क्या? ये सब ना अंग्रेजों का किया धरा है, आलसी है सबके सब। काम धाम करना है नहीं, बस पार्टी करने का बहाना चाहिए उन्हें। अरे बेटा क्या हुआ, किसके साथ आए हो? सा बेटा क्या नाम है आपका? मोनू सिहान। मोनू सिहान, बेटा आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? किसी ने आपको परेशान किया? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? अंकल मैंने टीवी पे आपको देखा था, आप बच्चों को बचाते हैं ना? बेटा कोई परेशानी, किसी ने कुछ कहा? बताओ। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, पापा को भी नहीं मिल रही। अंकल आप उन्हें ढूंढो ना, प्लीज अंकल उन्हें ढूंढो ना। हाँ बेटा हम आपकी मम्मी को ढूंढ देंगे, आपके पास भेज देंगे, है ना, परेशान मत हो। पापा का नाम क्या है आपके? सुनील सिहान। सुनील सिहान, तुम्हारे पापा पुलिस में है?
हाँ। तू जानता है? हाँ, बहुत अच्छे से। बोला सर। मिस्टर सुनील सिहान इज गोइंग टू बी अ फादर। क्या? यस। मोनू बेटा, मोनू आपने तो हमें डरा ही दिया था। थैंक यू सो मच यार रवि। कोई बात नहीं, ये सुनील है, हम लोग ट्रेनिंग में साथ में थे। सब इंस्पेक्टर सुनील सर, मोहन नगर थाने से। तो तुम्हारी वाइफ लापता है? हाँ सर, रुचि पिछले 48 घंटों से लापता है। उसकी पॉसिबल लोकेशंस पे चेक किया, उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉल किया सर, पर कुछ पता नहीं चला। रुचि का फोन? मोबाइल स्विच्ड ऑफ है सर उसका, बैग पैक करके घर से गई है सर बिना बताए। सर रुचि के मिसिंग होने से एक दिन पहले हमारा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। रुचि नाराज थी मुझसे और उसी दिन मुझे इंदौर जाना पड़ा था किसी काम से। मोनू और वाइफ घर में अकेले थे। तुम मुझे जीने दोगी या नहीं जीने दोगी बताओ मुझे। तुम बस अपना सोचो सुनील, मैं जो रोज घुट घुट के जी रही हूँ। वही कारण हो सकता है सर। पापा, मम्मी मेरे को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बेटा। बेटा आपने किसी को देखा था? कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ सर, मोनू जैसे सोकर उठा उसे पता चला रुचि घर पर नहीं है सर। मैंने मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है सर। आपके पापा तो पुलिस वाले हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी जल्दी घर आ जाएंगी, ठीक है? सॉरी सर आपको परेशान किया। इट्स ओके, बेचारे की मम्मी हो गई है, परेशान तो होना जायज है। थैंक यू सर। थैंक यू। रवि। हाँ? ये रुचि की मिसिंग रिपोर्ट मंगाना। अरे हमारे पास ऑलरेडी 13 केसेस है। अरे वैसे भी ये केस जो है हमारी एरिया का नहीं है, ऊपर से डीएसपी सर से अलग से परमिशन लेनी होगी। ठीक है मैम, मंगवा लेता हूँ। सुनील की वाइफ का केस है तो सुनील ने केस में काम बहुत अच्छा किया। नेबर्स की स्टेटमेंट, रुचि के सारे दोस्तों के स्टेटमेंट है केस फाइल में। सुनील हमारी बैच का सबसे ब्राइट कैडेट था। आई एम श्योर वो अपनी वाइफ को ढूंढ निकालेगा। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है रवि, वो बच्चा अकेला अपनी माँ को ढूंढता वो मेरे पास आता है, जबकि उसका बाप खुद एक पुलिस वाला है। मतलब एक बच्चा अपने बाप से ज्यादा भरोसा किस पे करेगा? तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बात तो सही कह रहे हैं। देख यार, जहां तक डीएसपी साहब से परमिशन लेने की बात है मैं ले लूंगा। यार देख, हमारे पास 13 केस ऑलरेडी हैं, 14 आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 13 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है। मिश्रा जी, आज की रात आपको याद रहेगी, आपका सारा इंतजाम है। कैसा इंतजाम? इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ताजा खबरों के एडिटर माही चंडा। किस आदमी के बारे में बात कर रही है? वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। पहले तो ये कभी हमारे हाथ ही नहीं आती थी और आज इन्होंने ही आपका इंतजाम किया है मनोरंजन का। जाइए।
ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, पर जो 6 साल पहले जो रायता फैलाया था ना, वो लड़की आज तक नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, अब तक तो वो मरमर आ गई होगी। We can't have unmarried pregnant women working for us. The reputation पर असर पड़ेगा। We can't keep you anymore. Would you lie to us about your marriage? तो इस ऑफिस में क्या सिर्फ मैंने ही झूठ बोला है? तुमने नहीं कहा था कि जितेश रजक स्कैंडल ऑन एयर जाएगा? मुझे किसी बड़े नेता के घर भेजा जाता था। लेकिन कहाँ गया वो? तुम्हारे लैपटॉप के रिसाइकल बिन में। Enough. वो मैनेजमेंट का डिसीजन था। तुम्हें पता है हाउ पावरफुल ही इज? अ गेम विल बी ओवर। और इस जॉब के टर्मिनेशन से माय गेम विल बी ओवर। आउट रुचि। प्लीज डोंट डू दिस माही। माही। आई सेड आउट। नहीं नहीं, मुझे कोई लूजर नहीं चाहिए। पर ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जल्दी करके उस मैटर को रफा दफा कीजिए, वरना आपका ट्रांसफर पक्का है। अभिषेक। हाँ रवि, लो। जैसी की अर्जेंसी आई भाई इतनी रात को? सर एक कुछ जरूरी बात करनी थी। ड्रिंक लोगे? नहीं सर। नहीं सर, ड्राइव करना है। बोलो क्या बात? सर एक्चुअली मोहन नगर थाने का एक केस है, मिसिंग रिपोर्ट है, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारे थाने में कम केसेस है क्या? और इसी केस में इंटरेस्टेड क्यों? दरअसल बात यह है कि एक बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चली गई और बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुँच गया। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, आप उन्हें ढूंढो ना। और वो लोग सर मिसिंग कंप्लेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा है, मामला कुछ और लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? सर मैंने पूरी केस फाइल को दोबारा गो थ्रू किया था तो उसमें बहुत लूप होल्स मिले। सर एक बार चांस दीजिए ना, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ केस। मोहन नगर थाने में कौन देख रहा है केस? सर वहाँ वो सुनील सियान है, उसका जूनियर ही एक केस को हैंडल कर रहा है। और सर सुनील सियान की वाइफ ही मिसिंग है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना? ठीक है, आपस में कॉलबैक कर लो, मैं कल ऑर्डर पास करवा दूँ। आपकी बेटी रुचि के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी रुचि कई दिनों से लापता है, अपने पति और बच्चे को छोड़ के कहीं चली गई। एक तो वो सुनील उसका पति नहीं है, दोनों की शादी नहीं हुई है। और दूसरी बात, जिस लड़की ने कभी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, अगर आज वो अपने बेटे को छोड़ के चली गई है तो उसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? जाइए आप यहाँ से। अरे और तू बिन भी है पेट से है, गिरा दे बेटा इस बच्चे को। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सुनील से प्यार करती हूँ, ये मेरा और सुनील का बच्चा है। निकल जा मेरे घर से, आउट, मर गई तू हमारे लिए। जैसा आपको ठीक लगे पापा, पर मैं सुनील को नहीं छोड़ सकती। नहीं रुचि की वजह से नहीं, सोसाइटी की वजह से। ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ रुचि अपने रिश्ते में पीछे छूट गई, तो सुनील की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा? प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम सिर्फ वेमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई औरत अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम अपनों को ही होती है। अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि रुचि ने सुसाइड कर लिया? कोई रीज़न तो होना चाहिए ना? अकेली थी, फैमिली कैरियर सब खत्म हो गया था उसका, और उस सुनील ने भी शादी नहीं की थी उससे। चल मान लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश थी, लेकिन सुसाइड करने के लिए उसे बैग और कपड़ों की क्या जरूरत आन पड़ी? इस बार तू 2 दिन से रुका हुआ है, ये माल पार्टी को नहीं देना है क्या? पाजी मेरा मालिक है ना, साला बड़ा कमीना है, उसने मेरा 2 महीने का पेमेंट अटका दिया, मैंने भी साले का 20 लाख का माल अटका के रखा हुआ। अभी 1 घंटे भर पहले उसने पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भाई तू है बहुत बड़ा कमीना, तुझसे बचकर रहना होगा रे भाई। ओ यार तू मेरे लिए अच्छा है तो मैं तेरे लिए हलवा हूँ, लेकिन साला मालिक बहुत कमीना है, उसके लिए तो मैं जलेबी हूँ जलेबी। चलता हूँ।
ये रुचि का लैपटॉप। लेटर रिकवर कराया है, कुछ शॉकिंग चीजें मिली हैं। ये देखिए, मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। ये जितेश, जितेश रजक है ना? हाँ। इसका मतलब रुचि ने इस लीडर का स्टिंग किया था। ये तो बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है। काम तो हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं ज्यादा दिन भोपाल में नहीं रुक सकता। मेरे वीजा का क्या हुआ? रुचि, तुम ठीक हो? कहाँ हूँ मैं आज? सब कुछ तो छूट गया मेरा सुनील के वजह से। कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची अब मेरी। ब्रिजेश, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई जॉब ना दे तो फ्रीलांस ही सही। जहाँ पे छोड़ा था ना ब्रिजेश, वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ फिर से। तुम श्योर हो रुचि? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ऑप्शन है रुचि। मैं नहीं जानता सर इसे, लेकिन रुचि के कॉल डिटेल्स में एक ब्रिजेश नाम के आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर है सर। क्या रुचि की कॉल डिटेल्स है तुम्हारे पास? हाँ है। इसमें सबसे ज्यादा उसी नंबर पे बात किया था रुचि ने। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि जिस रात रुचि गायब हुई थी उस रात आप भोपाल में नहीं थे? आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं सर। एक हस्बैंड होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी शक के दायरे में हूँ, बट ट्रस्ट मी सर, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रुचि को ढूंढना है। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं एक मिनट सर। सर इस फाइल के अंदर पूरी मेरी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। इसमें मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है, आप चेक कर सकते हैं सर। और अगर आपका उससे भी मन ना भरे तो आप मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। आपकी बीवी रुचि ना? रुचि नहीं सर, निकिता, मेरी लीगल वाइफ। सेम कास्ट होने की वजह से घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। 3 दिन पहले ही निकिता ने मेरे थाने में अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं कि मैं उस रात इंदौर में था। निकिता, रुचि को इस बारे में पता था? रुचि और निकिता एक दूसरे के बारे में सब जानती थी, लेकिन आपस में कभी उन्होंने बात नहीं की थी। देखिए सर, अगर आप मेरी रुचि को ढूंढ सकते तो ठीक है, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैं कल सर मोनू को लेकर इंदौर जा रहा हूँ, अब ये मेरे और निकिता के साथ ही रहेगा। मैंने झूठ बोला तुम्हारे लिए पुलिस को, माफ किया तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि इसे यहाँ लाकर रोज अपने धोखे की शक्ल दिखाओगे मुझे। यार निकिता कहाँ जाएगा ये? रुचि के मिलते ही मैं इसे वापस छोड़ आऊंगा। जाओ बेटा, वो आपका रूम है, वहाँ चले जाओ। इतना ग्रांटेड लोगे मुझे तो मैं सब सच बता दूंगी पुलिस को। जाओ बता दो, उनकी रडार पर हूँ मैं, उन्हें एक मौका चाहिए सिर्फ। और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने गलत किया है तो जाके सब बता दो। क्या करेंगे मेरे साथ? जेल में डाल देंगे ना मुझे? क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? यार मैं ये ब्रिजेश के घर गया था, वो तो रुचि के लापता होने का अगले दिन से ही गया। मैंने अपने स्तर पर पता किया कि रुचि और ब्रिजेश 6 साल पहले साथ में काम करते थे। इससे ज्यादा मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। स्ट्रेंज नहीं है कि ब्रिजेश और रुचि जो है दोनों एक ही वक्त पे लापता हो जाते हैं? देखिए यार, बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है दोनों के बीच में। नहीं, रुचि मेरे लिए लॉयल थी,
यार ये रुचि जो है रेगुलर ब्रिजेस के टच में थी, उसने आज तक तुझे ब्रिजेस के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी तू इतना श्योर कैसे हो सकता है? इतना टाइम हो गया है हमको यहाँ, फिर भी क्यों तुम इतने नखरे करती हो? सब कुछ तो मिलता है हमें यहाँ, सब कुछ आजादी को छोड़ के हम इनके हाथों की कठपुतलियां बन के रह गए बस, और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया। ये लोग जब चाहे ना हमें तोड़ के फेंक सकते कहीं भी। बात करती हूँ सर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सुनील सर ने अपना काम किसी और के हाथों से करवाया हो? मंजू, सही कह रही हो तुम, नहीं मेरा सवाल ये है ना कि सुनील ऐसा करेगा क्यों? अरे सर, लोगों से एक बीवी नहीं संभालती, ये जनाब दो दो बीवियों को संभाल रहे थे, बस क्या दोनों सर खा रही होंगी और क्या। दोनों औरतें ना एक दूसरे को अच्छे से जानती थी, और सुनील जो है दोनों जगह पर ऐश कर रहा था। अरे ये प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में थी ही नहीं, मोटिव कैसे बन सकती है? और जब हमें बॉडी मिली ही नहीं है तो मर्डर कैसे मान रहे हैं हम लोग? देखो भाई, बस से बस सिचुएशन भी देख लें तो क्राइम तो हुआ है, क्रिमिनल तो होगा ही ना, और जो भी होगा जब पकड़ा जाएगा तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, किसके चेहरे पे कितने फिल्टर लगे मालूम चल जाएगा। क्यों मंजू? अच्छा मेरा ना एक और सवाल है। आप पूछना। ये रुचि और ब्रिजेश जो है होटल में ही क्यों मिलते थे? सवाल तो तेरा लाजमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। खैर तू मुझे ये बताए, ट्रक होटल फार्म हाउस का क्या हुआ? ऐसी ना बहुत सारी जगह है, घूमने जाएंगे ना तो सालों निकल जाएंगे इसमें। तो पहले अपना आलस छोड़, सब कुछ मिलेगा ब्रिजेश के अलावा और भी चीजें ढूंढने के लिए, चल काम पे लग जा। मिस्टर अजक का पीए बोल रहा हूँ, कहिए। जी मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, आरपी नगर थाने से। आप मुझे एमएलए साहब से मीटिंग फिक्स करनी थी। किस सिलसिले में? एक इन्वेस्टिगेशन है, एक औरत गायब हो गई एक्चुअली। रजक जी अभी बिजी हैं, आपका नंबर लगा देता हूँ, जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, उस पर नजर रखो। आप चाय लीजिए, तब तक आपका पार्सल आता ही होगा। हाँ सर। अभिषेक क्या करना चाहते हो तुम? एमएलए जितेश से पूछताछ का वारंट क्यों मांग रहे हो? सर रुचि ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जितेश के ऊपर, सर मैं सिर्फ बातचीत करना चाहता हूँ उनसे, आप जानते हैं ऐसे तो मिलेगा नहीं बिना वारंट के। वो स्टिंग ऑपरेशन कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो। कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ, फिर बात करते हैं। आदर्श नगर में एक लड़की की लाश मिली है, आरपी नगर थाने की पुलिस मौका वारदात पे पहुंचे। मिला क्या? अच्छे से देखो। रवि। हाँ, यहाँ पे। अरे सविता इधर आओ, मेरा बाजू पर करो। क्राइम साइट पे दिखा ट्रक NH-146 से निकल रहा है। अरे मैडम, माना कि स्मार्ट हूँ मैं, इतना घूरने की जरूरत क्या है,
भाई सुबह से यहाँ लाके बैठा रखा है आपने मुझे। एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर बोला था कि जो औरत जिंदगी में आएगी उसके हाथ से मार खाऊंगा मैं। लेकिन ये नहीं बताया होगा ना कि कितनी बार खाएगा और कितना खाएगा। इसके लिए ना हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल देख के समझ में आ जाता है तू कितना मार खाने लायक है। चल बता ये ट्रक तेरा है? ये कलर देखकर बोल रहे होंगे, ऐसे 100 ट्रक दिखा दूंगा आपको। एक लड़की का मर्डर हुआ है और एक औरत लापता है, सीधा सीधा बता दे ट्रक किसका है और ये फार्म हाउस कहाँ पे है। अरे बोला ना कि ये ट्रक मेरा नहीं है, और अगर ये ट्रक मेरा है भी तो मेरा ट्रक कई लोग लेकर जा, कोई ले गया होगा। ट्रक के नंबर से धर्मकांटे पे पता किया है, भोपाल से होशंगाबाद रूट है इसका, रेती ट्रांसफर का काम करता ही है। भैरवपुर के NH-46 पर एक ढाबा है, उसका रेगुलर कस्टमर ही है हर बार। उस रूट के जितने फार्म हाउस है पता कर? पता कर लिया मैंने, होशंगाबाद में एक फार्म हाउस है, उसका ऑनर प्रसाद पालकर है। प्रसाद पालकर, ये तो वही है ना जिसका कॉलेज है? MLA जितेश का साला है ये, है ना? हाँ, बस एक बार DSP सर ना सर्च वारंट इशू करवा दें। आपको क्या लगता है ये रुचियाँ मिलेगी क्या? देखते हैं, पता चल ही जाएगा। रुचि सिहान को जानती हो? देखो सुप्रिया, हमें तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका पता है। सुप्रिया तुमसे पूछ रहा हूँ, रुचि सिहान को जानती हो? हाँ, और मेरा नाम पूनम है। पूनम बेटा डरो मत, जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताओ सब, बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया गया, वो भी जबरदस्ती। मुझे पता है वो लड़की किस आदमी के बारे में बात कर रही है। वो आदमी तुझे मुझे नहीं इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। उस वक्त रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी, मैं उनका क्रेडिट कार्ड भी यूज करती हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई, बहुत दिनों से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। कभी कभी मिलने आया करती थी मुझसे, पर जब लास्ट टाइम आई थी ना तो काफी काफी टेंशन में थी वो। हाँ पूनम बोलो, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? क्या बात है दीदी, आपके चेहरे से ही दिख रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, प्लीज बताओ। कोई टेंशन नहीं है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे ना अशोक विहार के लिए निकलना है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना। उन्होंने उस फाइल को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। उस फाइल में क्या था बता सकती हो? नहीं, लेकिन उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। कौन सी तारीख थी? 11th February, क्योंकि 12th February को मुझे कॉलेज में फीस सबमिट करनी थी, वो वही देने के लिए आई थी। 11 फरवरी की रात को ही रुचि गायब हुई थी। रुचि दीदी, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ मालूम चलेगा आपको खबर देंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलो ना। आप प्लीज मेरे बारे में किसी को बताइएगा मत। 6 साल पहले जब मैं उस रैकेट से भागी थी तब रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी। चिंता मत करिए, किसी को नहीं बताएंगे, और अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। अरे मंजू। हाँ बोलो मंजू। अशोक विहार में एक होटल है सर, मीनाक्षी नाम का, उसका बोर्ड वो ब्रिजेश और रुचि वाली फोटो से मिलता है। इसका मतलब ब्रिजेश वहीं मिलेगा? मिल सकता नहीं सर, मिल गया है, उठा लिया ऑलरेडी मैंने, बस आप लोग यहाँ पर आ जाइए, क्या पता हमें रुचि का पता लग जाए। राजा जी आप चिंता मत करिए, आपका माल पहुंच जाएगा, और हाँ इस बार कुछ स्पेशल है आपके लिए। मुझे पता है वो लड़की के साथ के बारे में बात कर रही है, वो आदमी तुझे मुझे नहीं इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। Are you sure? 100% sure, तू बस टेंशन मत ले। लेकिन हाँ, ये न्यूज अगर ब्रेकिंग न्यूज बन गई तो मेरा प्रमोशन पक्का ना। अब TRP लाएगी तो प्रमोशन तो देना ही पड़ेगा तुझे।
वैसे माही, एक और ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। अब कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? What? Are you pregnant? Yes. माही, I'm so 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 happy. सुना, ये रिपोर्ट सबमिट करके मैं आज जल्दी घर जाऊंगी। पता है, मैंने अभी तक सुनील को भी नहीं बताया है। आज कुछ स्पेशल प्लान किया मैंने उसके लिए। अरे खड़ी क्या है, कॉन्ग्रेट्स तो बोल। ओह, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू माही। चल, आई सी यू। सुना, इसे यहाँ नहीं, अलग कमरे में रख। तूने बोला कि 11 फरवरी को तू रुचि से मिला ही नहीं, और वो तो तेरे रूम पे आई थी। हाँ, मैं सीहोर में था, मुझे आते हुए थोड़ी देरी हो गई थी, और जब तक मैं यहाँ आया तब तक उसका फोन बंद था। वो फाइल कहाँ है जो रुचि लेके आई थी अपने साथ? मुझे कोई फाइल नहीं मिली। फुटेज में साफ दिख रहा है कि रुचि जब तुम्हारे कमरे में आई थी उसके हाथ में फाइल थी, और जब वापस गई तो खाली हाथ थी। सच में मुझे कोई फाइल नहीं मिली। अच्छा, एक बात बता, किसी दूसरी औरत के साथ तू होटल में क्या करता था? काम के सिलसिले से स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, वो हमारा फिक्स बेस था। ये बातें फोन पे हो चुकी थी। इसका क्या मतलब? देखिए, आपको जो समझना है समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। फिर छुप के क्यों बैठा था? नितेश रजक के खिलाफ स्टिंग कर रही थी, उन लोगों ने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया। मुझे डर था कि मेरे साथ भी कुछ गलत कर देंगे। कहां पे रखा लड़कियों को उन्होंने? अरे पकड़ो से, अरे पकड़ी उसको। रवि लेके आओ। प्लीज किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। उस दिन जब आप मुझे रुचि दीदी के बारे में पूछने आए थे, तब इन लोगों को पता चल गया था। मंजू, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बरामद हुई, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। एक खरोंच नहीं आनी चाहिए किसी पे। यस सर। रवि, हाँ, इस पूरी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो। ठीक है। सब खोद डालो। मुझे लगता है रुचि को यहीं लेके आया गया होगा। अभिषेक, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? पता है वो फार्म हाउस किसका है? मैंने कहा था कुछ कंक्रीट लाओ, तभी वारंट इशू होगा। अब ऑपरेशन रुको, तुरंत निकलो वहां से। सर, यहां पे लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है सर। उन्हें विमेन कमीशन के हवाले करो और इस सर्च ऑपरेशन अभी रोको। इट्स एन ऑर्डर। ठीक है सर। अब क्या करना है? करना क्या है? सर्च करेंगे। सर, यहां आइए, जमीन देखिए, कुछ अलग है। ए, रुको रुको रुको, ये तो रुचि की बॉडी हो सकती है। डीएनए के लिए भिजवा बॉडी। अच्छा, अगर ये रुचि की बॉडी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास केस आने से पहले रुचि मर चुकी थी, क्योंकि बॉडी को देख के लग रहा है शायद 7-8 दिन हो गए हैं। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया पे डालिए, अच्छे व्यूज मिलेंगे। और आप जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, उससे मेरा क्या लेना देना? देखिए, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, रुचि के लैपटॉप से मिली है। ट्रैफिकिंग के दौरान एक लड़की की मौत हुई थी,
उससे पहले उसका रेप हुआ था, ये बात रुचि अच्छे से जानती थी। जो लड़की मरी थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई है, उसमें रेप का जिक्र ही नहीं है। बॉलीवुड फिल्में कम देखा करें, वो बेचारी लड़की से मेरा क्या लेना देना? और आपके सारे क्राइम में मैं ही क्रिमिनल हूँ क्या? जब कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाओगे ना तो मजिस्ट्रेट तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना देगा। एक दो महीने आराम कर लीजिए, दिमागी हालात के लिए ठीक होगा। मैं कमी सर। हाँ रवि। जैन सर। जैन सर, ये डीएनए रिपोर्ट है, बॉडी रुचि की थी सर, हमारे पास प्रूफ है सर, वो अभिषेक सर का सस्पेंशन रिवोक कर दीजिए प्लीज सर। ये एविडेंस फाइल है सर, आपको भी पता है कि अभिषेक सर गलत नहीं थे। डायरेक्ट ऑर्डर जम किया था उसने। सॉरी सर। हाँ लेकिन मीडिया अगर प्रेशर डालेगी तो मैं भी क्या कर पाऊंगा, ऑर्डर कैंसिल करना होगा। थैंक यू सर। जा कहाँ रहे हैं? पहले गाड़ी में तो बैठो, आइए। जा कहाँ रहे हैं बताएगा कोई? जब पहुंचेंगे तो देख लीजिएगा। क्या फालतू का सस्पेंस मत बनाए। ये चाइल्ड केयर कमेटी का लेटर है, मोनू को हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ हाँ ले जाइए, मुझे चाहिए भी नहीं ये बच्चा इस घर में। सब क्या हो रहा है रवि, क्या बात है? सुनील, बच्चे की नानी को कस्टडी मिल गई है। बात हो चुकी है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने का ऑर्डर है हमारे पास। पर ऐसे कैसे? तमाशा मत करो यहाँ पे, बच्चा हमारे साथ जाएगा अपने नाना जी के घर। ऑर्डर का मतलब तो समझते हो ना? एक मिनट, क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गया? ये कहाँ थी? फ्लश में रखी थी, आंटी ने देख लिया था तो फेंक दिया था। उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। अब बताइए कहाँ चलेंगे? अरे किसी अच्छे से होटल में चलते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं। मीनाक्षी होटल चलते हैं, चलो बैठो बैठो। लेकिन मीनाक्षी होटल क्यों? अरे चल तो फिर बताता हूँ। गाड़ी में है लैपटॉप। रुचि ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें से ये ग्रैब किया गया है, ये तुम ही हो। इन फोटोज के कारण आपने मुझे पकड़ा है? हाँ ये मैं ही हूँ।
पर इससे ये साबित कहाँ होता है कि रुचि को मैंने मारा है? तुमने जिस रेप विक्टिम के केस को दबाया था उसकी दो डीएनए रिपोर्ट तैयार हुई, एक तो सही वाली डीएनए रिपोर्ट और एक नकली डीएनए रिपोर्ट। इस नकली वाली रिपोर्ट पे तुम्हारे साइन है क्योंकि तुम उस नेताजी जितेश को बचाना चाहते थे और ये बात रुचि को मालूम चल गई थी, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने देखा था आज तुम्हें मां, तुम उस एमएलए जितेश से पैसे ले रहे थे। अरे तुम फालतू की बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरा वो काम है। मैं तुम सबको एक्सपोज करूंगी। तुम मुझे एक्सपोज करोगी? सुनील को एक्सपोज करोगी? मोनू की चिंता है तुम्हें? तुम्हें ठीक है चिंता, तुमने सोचा क्या मोनू के बारे में? हाँ सुनील, सुनील प्लीज, स्वाति उनके कब्जे में है, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, और भी लड़कियां हैं वहां, उन्हें बचाने में मेरी मदद करो सुनील। सुनील तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं पिछले 8 साल से तुम्हें जानती हूँ, इतना गलत तो नहीं हो सकती ना मैं, प्लीज सुनील सोचो ना। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत था। तुम्हारे पास वो जो भी सबूत हैं सब मुझे लाके दे दो। सबूत तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। रजत जी, आपको आज तक तकलीफ आने दिया क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। रुचि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रुचि ने स्टिंग ऑपरेशन में एमरे रजक से पैसा लेते वक्त मेरा वीडियो बना लिया था। इस बात का नाजायज फ़ायदा उठाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस इसलिए मार दिया। सुनील, एकेडमी में तू हम सबका रोल मॉडल था। तूने लालच में अपने साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। रुचि को मार के खुद तो कातिल बन ही गया पर उसी के साथ तूने मोनू को भी अनाथ कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.